राज्य सरकार झारखंड के बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में, जहां आप देख सकते हैं यहां पर उस रोजगार मेले को लेकर तैयारी की जा रही है। और ये रोजगार मेला 16 जुलाई को यहीं पर लगाया जाएगा, जिसमें झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, साथ में झारखंड सरकार के कई मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और युवकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही बता दूं कि कई इस तरह की योजनाएं जो है झारखंड सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जिसमें श्रम एवं कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से ये नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसको लेकर रांची के जो डीसी हैं राहुल कुमार सिन्हा, उन्होंने भी बैठक की है और बैठक के बाद क्या कुछ कहा है सुनिए। क्या कुछ तैयारियां चल रही है जिला प्रशासन की तरफ से? आगामी 16 जुलाई को श्रम नियोजन कौशल विकास विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से विभिन्न नागरिकों के बीच में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। इस आलोक में मोराबादी मैदान में कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था हो रही है। तकरीबन 10,000 नागरिकों के आने की संभावनाएं हैं। पूरे राज्य के सभी जिलों से लाभुकगण यहां पर आएंगे। उन सभी को दर्शक दीर्घा में उचित तरीके से बैठाने की, मंच पर सभी अतिथियों को सम्मानित तरीके से बैठाने की, जितनी भी बेनिफिशरीज को मंच पर बुलाकर परिसंपत्ति वितरण किया जाना है, उन सब की तैयारी तथा अन्य जितनी भी लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, फूडिंग वाले अरेंजमेंट्स होते हैं उनके लिए जिला स्तर पे सारी तैयारियों की समीक्षाएं आज की जा रही थी। जिला स्तर पे विभिन्न एजेंडा आइटम्स के लिए कोषांगों का निर्माण किया गया। हर एक कोषांग में अधिकारी गणों की प्रतिनियुक्ति की गई है और उन्हीं को कोषांग वाइज दायित्व दिए गए हैं। उन वो सभी अपने अपने दायित्वों के अनुसार तैयारी कार्यक्रम के स्थल पे जाके सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इनसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेट कराकर उसका हल निकाल रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है जिसमें कि प्रशासन के हर एक अंग, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जितनी भी लाइन एजेंसीज होती हैं, सभी का भरा पूरा योगदान रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी तैयारियों को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से संपादित कराते हुए कार्यक्रम का हम लोग सफलतापूर्वक संपादन सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मकसद यही रहता है कि युवाओं की भागीदारी इस तरह के कार्यक्रम में हो और उन्हें रोजगार मिले। लेकिन जितना भी कार्यक्रमों की अगर बात करें, इससे पहले भी जो आयोजन हुए हैं उसमें युवाओं की भागीदारी कम दिखी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी जब 16 तारीख को इस कार्यक्रम का आयोजन होगा तो उसमें कितने युवाओं की भागीदारी दिखती है और कितनों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए अपना कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ नीरज कुमार, रांची।